नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। दरभंगा में दो दिन पहले हुई गोलीकांड को लेकर एसएसपी बाबूराम ने प्रेस वार्ता किया। उन्होंने बताया कि पुलिस अपने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें एक अपराधी को गोली लग गई, जिसका इलाज चल रहा है। दरभंगा में दो दिन पहले हुई गोलीकांड को लेकर एसएसपी बाबूराम ने प्रेस वार्ता किया। एसएसपी बाबूराम ने कहा, दोनों अपराधी के बीच आपस में वर्चस्व की लड़ाई है। इससे पहले भी दोनों के बीच गोलीबारी हो चुकी थी। इसको लेकर लहरिया सराय थाना में प्राथमिकता दर्ज की गई थी। इसमें एसएचओ को और टेक्निकल ऑफिसर को कड़ा निर्देश दिया गया था कि इनको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करना है, जिसके बाद थाना और टेक्निकल टीम इनके पीछे लगी हुई थी। सूचना मिलने पर प्रशासन जब घटना स्थल पर पहुंचे तो अपराधियों ने इन पर गोली चलाई और प्रशासन ने इनको सरेंडर करने के लिए बोला। इसके बावजूद भी उन्होंने फायरिंग बंद नहीं की। पुलिस अपने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें एक अपराधी को गोली लग गई, जो डीएमसीएच में इलाजरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। कुछ अपराधियों में आपस में वर्चस्व की लड़ाई है। पहले भी इनमें आपस में गोलीबारी हो चुकी है। परसों शाम को बाकरगंज मोहल्ला में दिन में आपस में गोली चली थी। इसको लेकर लहरिया सराय थाना में केस दर्ज किया गया था और इसमें एसएचओ को और टेक्निकल सेल को मैंने कड़ा निर्देश दिया था कि 24 घंटे के अंदर इनकी गिरफ्तारी करनी है, इनके विरुद्ध कार्रवाई करनी है। तो थाना और टेक्निकल सेल की टीम इनके पीछे लगी हुई थी और कल सूचना मिली कि खाजा सराय में इकट्ठा हुए हैं और फिर से आपस में गोलीबारी कर सकते हैं। तो पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने पाया कि वहां पर 6 अपराधी हथियार के साथ मौजूद थे। पुलिस ने इन लोगों को समर्पण करने के लिए निर्देश दिया, लेकिन पुलिस को देखते ही ये लोग पुलिस पर फायरिंग करने लगे। तो पुलिस ने उसके बावजूद इनको चेतावनी दी सरेंडर करने के लिए, लेकिन इन्होंने पुलिस पर फायरिंग जारी रखी। तब पुलिस को अपने आत्मसुरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें एक अपराधी घायल हो गया और शेष अपराधी भाग गए। घायल अपराधी को तुरंत डीएमसीए चले जाया गया, जहां वे इलाजरत हैं। और घटनास्थल से इस अपराधी की एक मोटरसाइकिल, एक पिस्टल, कुछ जिंदा गोली और खाली खोखे बरामद हुए हैं।